सो हेलो गाइस, कैसे हो सब? आई होप गाइस आप सब अच्छा होगे। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम ले करने वाले कुछ टिप्स से नेचर लवर फोटो एडिटिंग। तो गाइस मैं नेचर लवर के ऊपर एक और वीडियो बनाया था, वो वीडियो के अंदर आप सब ने मुझे काफी ज्यादा प्यार दिया था। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में भी आप सभी ने मुझे काफी ज्यादा प्यार दोगे। ओके, तो गाइस आगे काफी सारा अमेजिंग वीडियो आने वाला है, आप लोगों ने क्या करना होगा, अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट करना होगा। ओके गाइस, तो गाइस ये पर लोग देख सकते हो गाइस हमारे एडिटिंग को, ये काफी सारा ऑसम लग रहा है। तो गाइस आप लोग भी कुछ टाइप से फोटो एडिटिंग करते हैं तो आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। ओके, और गाइस आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और गाइस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, इंस्टा आईडी का लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएगा, आप लोगों ने चाहते तो मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए गाइस वीडियो कर लेते स्टार्ट। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने पिक्सर एप्लीकेशन का ओपन करके ये वाली ऑसम से बैकग्राउंड का आप लोगों ने ओपन करना होगा। ओके, देन गाइस आप लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले टूल्स के अंदर आना होगा, देन आप लोग क्या करेंगे रिसर्च के अंदर आना होगा। इसके अमाउंट का आप लोगों ने चेंज कर दीजिए, इसको चेंज करके आप लोगों ने 3000 रख दीजिए। देन आप लोगों ने डन करके बैक जाना है। ओके, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करूंगा ऐड फोटो के अंदर आना होगा। ये सब क्या करेंगे आप लोगों को कुछ बार्स का पेन मिलेगा, सिंपल से आप लोगों ने वो बार्स वाले पेन को यहाँ पर जो है ऐड करना होगा। तो चलिए गाइस हम बार्स वाले पेन को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो गाइस ये बार्स वाले पेन आप लोग को इसको ऐड करना होगा। ओके, देन गाइस आप लोग कई बार्स वाले पेन को क्या करूंगा यहाँ पर हल्का से एडजस्ट करके इसको लगाना होगा। तो आप लोगों ने कुछ इसको जो आप लोगों ने हल्का से एडजस्ट कर लगा दीजिए, आप लोग को एक और इसका डुप्लीकेट बना दीजिए, इसी डुप्लीकेट पेन को आप लोगों ने यह पर लगाना होगा। ओके, देन गाइस आप लोग ऐसे क्या करूंगा इसको आप लोगों ने एक और डुप्लीकेट बना दीजिए। तो आप लोगों ने कुछ इसको 3 पेन को आप लोगों ने यहाँ पर लगाना होगा, देन आप लोगों ने यहाँ पर डन कर दीजिए। ओके, तो ये सब क्या करेंगे फिर से ऐड फोटो के अंदर आएंगे। ये आने के बाद आप लोगों ने यह पर अपने मॉडल को ऐड करना होगा। तो कैसे मॉडल को बैकग्राउंड को पहले ही इरेज कर देता, आप लोग अपने बैकग्राउंड को इरेज करने आते तो अच्छी बात है, अगर आप लोग अपने बैकग्राउंड को इरेज करने नहीं आते तो कोई बात नहीं, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो का लिंक आप लोग को इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा, आप लोग ने जाके वो वीडियो को देख सकते हो और अपने बैकग्राउंड को इजीली रिमूव कर सकते हो। ओके, तो ये पर आप लोग देख सकते हो गाइस मैं मॉडल को सही तरीके से एडजस्ट कर लगा दिया हूँ। तो आप लोग कैसे क्या करेंगे इसके नीचे एक हल्का सा शैडो इफेक्ट देना होगा, इसलिए हम क्या करेंगे ऐड फोटो के अंदर आएंगे। यह समय क्या करेंगे आप लोग को एक ब्लैक इमेज मिलेगा, सिंपल से आप लोगों ने वो इमेज को यहाँ पर ऐड करना होगा। तो ये रहा ब्लैक इमेज, आप लोग को इसको ऐड करना होगा। ओके, तो इस इमेज को आप लोगों ने फुल बैकग्राउंड में लगा दीजिए इरेज के अंदर आते। यह समय क्या करेंगे हार्डनेस को जो माइनस करेंगे, ओपेसिटी भी माइनस करेंगे, साइज कल कैसे माइनस करके आप लोगों ने जो मॉडल के नीचे आप लोगों ने कुछ इसको जो शैडो को देना होगा। ओके, तो गाइस आप लोगों से क्या करूंगा कुछ से मॉडल के नीचे इस टाइप का आप लोगों ने शैडो देना होगा। देन गाइस आप लोगों ने यहाँ पर डन कर दीजिए, लेयर के अंदर आते ये जो शैडो वाले पेंज का आप लोगों ने मूव डन कर दीजिए। जो ऐसे क्या करूंगा जो शैडो जो पेंज है ये मॉडल के पीछे चल जाएगा। और गाइस आप लोग ऑपोसिट के अंदर आते इसका ऑपोसिट को आप लोगों ने 75 में रख दीजिए। ओके, बेटर रहेगा। देन गाइस आप लोगों से क्या करेंगे इसको डन कर दीजिए। तो चलिए गाइस हम इसको डन कर दिया। ओके, तो यह समय क्या करेंगे फिर से ऐड फोटो के अंदर आएंगे। ऐड फोटो के अंदर आने के बाद आप लोगों ने क्या करूंगा आप लोग एक रैबिट का पेंज मिलेगा, वो रैबिट वाले पेंज का आप लोगों ने ऐड करना होगा। ओके, देन इस पेंज का आप लोगों ने कुछ इसको हल्का से बड़ा करके यह पर इसको सही तरीके से सेट कर लगाना होगा। देन आप लोगों ने इसको डन करना होगा। तो इसके नीचे मैं ऑलरेडी शैडो क्रिएट बना दिया हूँ, तो आप लोगों को कोई जरूरत नहीं होगा शैडो बनाने के लिए। देन आप लोगों से क्या करूँगा फिर से ऐड फोटो के अंदर आना होगा। ये सारे मतलब आप लोगों को कुछ बटरफ्लाई का पेंज मिलेगा और कुछ फ्लावर का पेंज मिलेगा, ये सभी पेंज आप लोगों को एक पेंज में मिलेगा। तो सिंपल से आप लोगों ने वो पेंज के ऊपर जो ऐड करना होगा। ओके, देन इस पेंज का आप लोगों ने इसको फुल बैकग्राउंड में सही तरीके से सेट कर लगाना होगा। ओके, देन आप लोगों से क्या करूँगा इसको आप लोगों ने डन कर दीजिए। तो चलिए गाइस हम इसको डन कर देते हैं। ओके, काफ़ी अमेजिंग से लुक दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते गाइस बिफोर एंड आफ्टर। ओके गाइस, देन आप लोगों से क्या करूँगा फिर से ऐड फोटो के अंदर आना होगा। आने के बाद आप लोगों ने क्या करूँगा आप लोग टेस्ट का पेंज मिलेगा, जो कि गाइस नेचर का टेस्ट वाले पेंज है, आप लोगों ने सिंपल से बहुत टेस्ट वाले पेंज को यहाँ पर जो है ऐड करना होगा।
ओके देन इस पीएनजी का आप लोगों ने कुछ रिप्स इसको इसी तरीके से एडजस्ट कर लेना होगा, देन आप लोगों ने पर डन कर दीजिए। तो आप लोग ऐसे क्या करेंगे, फिर से आड़ फोड़ के अंदर आना होगा। ये सब क्या करेंगे, एक और बटरफ्लाई का पीएनजी मिलेगा, इसको आप लोगों ने ऐड करना होगा। ओके तो ये जो पीएनजी आप लोग का क्या करेंगे, अपने हाथ के ऊपर और अपने जो भी बॉडी पार्ट के ऊपर इसका लगा सकते हो, जैसे गाइस मैं यहाँ पर लगा दिया हूँ। ओके तो इसका साइज को मैं इसको हल्का छोटा कर दूंगा, तो गाइस मैं यहाँ पर लगाऊंगा। ओके तो इसका साइज को जो मैं हल्का छोटा कर दिया, देन गाइस आप लोगों ने कुछ इसको सही तरीके से एडजस्ट कर लगाना होगा, देन आप लोगों ने यहाँ पर जो डन करना होगा। तो आप लोग एक लास्ट का पेज मिलेगा, जो कि गाइस आप लोग एक ब्लॉर वाले इफेक्ट वाले पेज मिलेगा। सिंपल से आप लोगों ने आठ फोटो के अंदर आना होगा, ये सब क्या करेंगे वो ब्लॉर इफेक्ट वाले पेज को ऐड करेंगे। तो ये रहा पीएनजी, मैंने इसको ऐड कर दिया। ओके तो आप लोग कई वाले पीएनजी कट करना होगा, देन आप लोगों ने इस वाले पीएनजी को हल्का से बड़ा करके कुछ इसको नीचे से ही तरीके से सेट कर लगाना होगा। तो आप लोग यह पर क्या करेंगे, अपने फोटो को सेव करना होगा और ले जाना है लाइट रूम प्लेस के अंदर। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, गाइस हम अगेन लाइट रूम के अंदर। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ऐसे पता होगा अपने फोटो को जो है ऐसे एडजस्ट करना होगा, इसलिए हम क्या करेंगे लाइट के अंदर आएंगे। सबसे पहले इसका जो एक्सपोर्ट का आप लोगों ने हल्का से बढ़ाना होगा करीबन 30 के आसपास। ओके कॉन्ट्रास्ट का आप लोगों ने थोड़ा सा मैनेज कर दीजिए, हाईलाइट को थोड़ा सा मैनेज करके शैडो भी आप लोगों ने थोड़ा सा मैनेज कर दीजिए, इसको व्हाइट को थोड़ा सा प्लस करना होगा और इसका जो ब्लैक आप लोगों ने थोड़ा सा मैनेज कर दीजिए। ओके तो गाइस आप लोगों ने कुछ टाइप से करना होगा, करने के बाद आप लोगों ने चले जाइए कलर के अंदर। ये सब क्या करेंगे, टेम्परेचर का आप लोगों ने थोड़ा सा प्लस कर दीजिए। ओके गाइस देन आप लोगों ने टेंट को जो थोड़ा सा मैनेज करना होगा करीबन आप लोगों ने 16 के आसपास। और गाइस यहाँ पर क्या करेंगे, वाइब्रेशन को जो आप लोगों ने थोड़ा सा प्लस कर दीजिए 50 के आसपास, और इसका जो सेचुरेशन आप लोगों ने थोड़ा सा प्लस कर दीजिए। ओके देन गाइस यहाँ पर आप लोगों ने क्या करेंगे, मेज के अंदर आना होगा। ये सब क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप लोगों ने रेड कलर के अंदर आएंगे, इसका जो सेचुरेशन आप लोगों ने थोड़ा सा प्लस कर दीजिए और इसका जो ह्यू को थोड़ा सा मैनेज करना होगा। ओके तो आप लोग क्या करेंगे, ये से ऑरेंज कलर के अंदर आना होगा। ये सब क्या करेंगे, सेचुरेशन को जो थोड़ा सा प्लस करेंगे और इसके जो लुमिनस को आप लोगों ने थोड़ा सा प्लस करना होगा। ओके गाइस तो आप लोगों ने ऊपर क्या करेंगे, येलो कलर के अंदर आना होगा, इसका ह्यू का आप लोग थोड़ा सा प्लस कर दीजिए और इसका जो सेचुरेशन आप लोगों ने थोड़ा सा माइनस का सॉरी थोड़ा सा प्लस करना होगा। ओके ये सब क्या करेंगे, सीधा डन करके आप लोगों ने ग्रीन कलर का बनाना होगा, इसका जो ह्यू का आप लोगों ने क्या करना थोड़ा सा प्लस करना होगा और इसका जो सेचुरेशन आप लोगों ने थोड़ा सा प्लस करना होगा। ओके तो गाइस आप लोगों ने कुछ ऐसे करना होगा, करने के बाद आप लोगों ने क्या करूँगा, ये ऐसे चले जाइए ब्लू वाले कलर के अंदर। ओके ये सब क्या करेंगे, आप लोगों ने इसका जो सेचुरेशन का थोड़ा सा प्लस कर दीजिए और इसका ह्यू को आप लोगों ने माइनस करना होगा। ओके तो आप लोगों ने इसका ह्यू को थोड़ा सा प्लस कर दीजिए और इसका जो सेचुरेशन आप लोगों ने थोड़ा सा प्लस करना होगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, गाइस काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सा लू भी आ चुका है। तो ये रहा बिफोर एंड आफ्टर। ओके तो इतने आने आप लोगों ने क्या डन करके बैक जाना है, तो सीधा मैं होंगे इफेक्ट के अंदर। ये सब क्या करेंगे, टेक्सचर का जो था हल्का से बढ़ाना होगा करीबन 20 के आसपास। ओके और 15 के आसपास, और इसके जो क्लैरिटी को मैं हल्का से माइनस करूँगा और इसके जो डिजिट्स को मैं थोड़ा सा प्लस करूँगा और इसके जो बिगिनर को मैं हल्का से माइनस करूँगा। ओके तो गाइस आप लोगों ने कुछ ऐसे करना होगा, देन गाइस ये सब क्या करेंगे, ट्राइंगल के अंदर आएंगे, शार्पिंग को बढ़ाएंगे, नॉइज रिडक्शन उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे और इसका कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा के कलर नॉइज रिडक्शन उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो गाइस बिफोर फोटो कैसे था एंड अभी आफ्टर फोटो, काफ़ी कमल का लुक आ चुका है मेरे फोटो में। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आज की इस वीडियो सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए और गाइस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर गाइस।